जाते हैं, एक ही क्रेडिट ये जी स्रोत का ज्यादा ये हमने बहुत सारे वो फिर सेंड कर दियो ना जिदी चंगी लगे तो फिर सेंड कर लेंगे। सब आगे नमस्ते, थोड़ा मस्ती करके सब लाल सब लाल पाले कम ना यार। वाहे गुरु जी का मैं वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह, जो बोले सो नियार सारी अकाल। नमस्ते, मेरा परिचय है कैप्टन थोड़ा पीछे पिंकल भाई किशोर भाई भट्ट, प्रमुख संस्थापक मानव धर्म परिवार ह्यूमिनिटी रिलीजन विश्व शांति अभियान के अंतर्गत आज मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। और हमारे साथ जो बुजुर्ग है उनके पास तुलसी का प्लांट है, साथ में नीम का प्लांट है। हम लोग यहाँ आज एकत्रित हुए हैं सतपाल भाई की वजह से, तो मैं सतपाल भाई का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमें बुलाया। आज हम जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने अमृतसर जलियांवाला बाग में हत्याकांड किया था, और जो हत्याकांड हुआ था वो सब बैसाखी के दिन सब सिख परिवार के लोग थे, तो उनको श्रद्धांजलि देने आज मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। जलियांवाला बाग की शताब्दी वर्ष शुरू हो रहा है, हम विकसित भारत बनाना चाहते हैं, और आप देख रहे हो कि पर्यावरण की समस्या है। कहा जाता है कि ये इस बार 46 डिग्री टेम्परेचर क्रॉस होने वाला है, तो हम पेड़ लगा रहे हैं शहीदों की याद में। और इतना मैं जरूर बताना चाहता हूँ कि हमारे देश को आज जो आज़ादी मिली है भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, इनके बलिदान से मिली है। और हमारे पास आज गर्व की बात है कि अंकल जो पंजाब से है वो वंशज है, इनके परिवार के लोगों ने शहीदी दी है, ये शहीदी की वजह से आज़ादी मिली है। 4G मोबाइल मिला है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते हैं। ये आज़ादी जो मिली है वो बलिदान से मिली है। शहीदों की याद में 100 साल हो रहे हैं, जलियांवाला बाग शताब्दी वर्ष शुरू हो रहा है, तो आज हम वृक्षारोपण कर रहे हैं, तुलसी का पेड़ यहाँ लगा रहे हैं, तुलसी का रोपा प्लांट लगा रहे हैं, जो हमारे देश में भारतीय संस्कृति में हिंदू संस्कृति में एक पवित्र पौधा माना जाता है तुलसी। हम तुलसी लगाने जा रहे हैं। और मैं आखिर में इतना बताना चाहता हूँ कि गुजरात राज्य सामाजिक वनीकरण, गुजरात स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट DFO कार्तिक महाराजा सर, मकरानी सर, RFO निधि मैडम, सबने हमें ये प्लांट दिए हैं, तो मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और सतपाल भाई को मैं बताना चाहता हूँ कि पूरे साल गुरुद्वारा कमेटी के जितने भी युवा लड़के लड़कियाँ हैं और जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके आशीर्वाद से शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए पूरा साल हम वृक्षारोपण करेंगे और विकसित भारत बनाएंगे। आप सबसे मेरी गुजारिश है कि कल 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का जन्मदिन है, जिन्होंने हमें कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, तो मेरी सबसे गुजारिश है कि विकसित भारत बनाने के लिए हमारे साथ आए। और मैं पिंकल भाई किशोर भाई भट्ट, फाउंडर प्रेसिडेंट वर्ल्ड पीस मिशन, सतपाल भाई और पूरे परिवार का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने आज जलियांवाला बाग के शहीदों की श्रद्धांजलि के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा। आप देख सकते हो हजारों नागरिकों की हत्या हुई थी बैसाखी के दिन, तो वो बलिदान हम भूलेंगे नहीं। शहीदों अमर रहो, जय जवान जय किसान। और उद्धम सिंह जी को भी हम श्रद्धांजलि देते हैं, एक क्रांतिकारी जिन्होंने पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति और जो हत्यारा था डायर उनके साथ बदला लेके एक क्रांतिकारी के रूप में इतिहास बनाया, तो मैं उद्धम सिंह जी को भी श्रद्धांजलि देता हूँ। जो बोले सो निहार सत श्री अकाल।